हाँ तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले यहाँ पर आइको की तरफ से आने वाले एक दमदार गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको मिड रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन है आइको का आइको C5। और दोस्तों यहाँ पर ऐसी एक्सपेक्टेशन भी आ रही है कि जो स्मार्टफोन है आपको यहाँ पर मिड अक्टूबर के आसपास में इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात है स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की दोस्तों, तो यहां पर लगभग सारी ही स्पेसिफिकेशन क्लियर हो चुकी है, लेकिन यहां पर कुछ अभी भी रेंडर्स हैं। तो हम यहां पर बात करने वाले इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में, साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में किस प्राइस पर देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ संदीप पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि यार स्मार्टफोन का कोई भी रेंडर्स अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लीक्स आ रहे हैं दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर आइको Z3 की तरह देखने को मिलने वाला है। जिसका मतलब गाइस कि आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिलेगी, प्लास्टिक का बैक होगा, साथ ही आपको यहाँ पर बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर और डीजे की तरफ आपको आइको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन की डिजाइन की दोस्तों, तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन भी आपको काफी स्लीक और स्लिम देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी आइको Z3 की तरह। लेकिन दोस्तों इस बार इसका जो फ्रंट लुक होने वाला है वो यहाँ पर थोड़ा सा बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार यहाँ पर आइको Z3 को लेकर के काफी लोगों ने कमेंट किया था कि इन्फिनिटी वी नॉच थोड़ा सा पुराना हो चुका है, कुछ नया लुक चाहिए। तो इस बार आपको यहाँ पर सेंट्रली अलाइंड पंच होल कटआउट सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पर इस बार लुक काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों। इसके साथ में आपको यहाँ पर चीन और बिजल्स वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन की कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो गाइस इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली यहाँ पर 6.57 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर AMOLED की डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर सुपर AMOLED की पैनल देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी था दोस्तों, क्योंकि यार आइको Z3 के अंदर आपको यहाँ पर LCD पैनल दिया गया था, जो कि पिछली बार आइको Z3 स्मार्टफोन के अंदर काफी लोगों को पसंद नहीं आया था। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर छोटा सा अपग्रेड है, लेकिन काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब ऑनलाइन कंटेंट वॉच करने में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें गेमिंग की, तो इस बार भी आपको यहाँ पर 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 240Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिफ्रेश रेट को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, लेकिन दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट जरूर देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए काफी अच्छी और बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरा की दोस्तों, तो इस बार आपको यहाँ पर कोई मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलने वाला है। इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर ही देखने को मिलेंगे। 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको प्रिज्यूमेबली दोस्तों यहां पर सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहां पर EIS के सपोर्ट के साथ में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर मैक्रो सेंसर देखने को मिलने वाला है। और वहीं पर बात की जाए सेल्फी कैमरा की दोस्तों, तो इस बार भी आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 4K की, जहां पर आपको 30 और 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहां पर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर 1080p यानी तो फुल HD की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 30 FPS पर। तो ओवरऑल दोस्तों डिसेंट कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको काफी तगड़ा चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ट्रेंड में चल रहा है। और ये प्रोसेसर है दोस्तों यहाँ पर क्वालकॉम का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट, जो कि एक काफी स्टेबल चिपसेट है दोस्तों, जिसका मतलब आपको यहाँ पर काफी अच्छी और तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बात करें यहाँ पर चिपसेट की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 6nm फैब्रिकेशन पर चिपसेट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 64-bit आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर 8 कोर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एक कोर आपको देखने को मिल जाएगा 2.4 GHz पर, जहाँ पर आपको Cortex A78 का कोर दिया गया है। इसके अलावा बाकी के 3 कोर आपके मीडियम परफॉर्मेंस टास्क के लिए देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 2.2 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको Cortex A78 के कोर देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा बाकी के नॉर्मल वर्क और साथ ही पावर एफिशिएंसी के लिए आपको यहाँ पर चार कोर देखने को मिलेंगे 1.9 गीगाहर्ट्ज पर, जहाँ पर आपको कॉर्टेक्स A55 के कोर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जिसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी स्टेबल देखने को मिलेगी, काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जहां तक बात है दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहां पर Adreno 642L का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि 490 MHz की फ्रीक्वेंसी पर देखने को मिलेगा और जहां पर आपको ड्यूअल कोर GPU देखने को मिल जाता है। तो यार सबके पास देखा जाए तो आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस तो तगड़ी देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग या फिर रेंडरिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर उसके लिए भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्टेबल और साथ ही काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है आपको यहाँ पर दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 6 और 8 GB की रैम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्टोरेज की, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर इंडिया के अंदर दो वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको 128 और साथ ही 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको यहाँ पर स्टोरेज काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में बात करें स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको iQOO Z3 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है कि 66 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि यह स्मार्टफोन आपको 66 वॉट के चार्जर के साथ देखने को मिल जाए। और जहां तक बात है स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की दोस्तों, तो चार्जिंग के लिए आपको यहां पर टाइप सी की पोर्ट ही देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों यहां पर आपको इस बार भी साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों यहां पर आपको AMOLED की पैनल दी गई है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलेगा और साथ ही आपको यहां पर फेस अनलॉक जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 3.5 mm हेडफोन जैक दोस्तों, इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है कि ये आपको इस बार देखने को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें सेंसर्स की, तो सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली, सारे ही सेंसर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जहां तक बात है स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दोस्तों यूजर इंटरफेस की, तो इस बार आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड फन टच 11 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप्स तो देखने को मिल ही जाएंगे लेकिन दोस्तों आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ओवरऑल दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको यहाँ पर दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो आपको लगभग 25,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है, साथ ही दोस्तों इसका जो हायर वेरिएंट होगा वो आपको अराउंड 30,000 के आसपास में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो यार इसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो यार उम्मीद तो यही है कि 25,000 के आसपास में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाए। और वैसे दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, अगर ये स्मार्टफोन 25,000 के आसपास में आता है तो क्या आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों ये डिटेल वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। उसके साथ में उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।